What's up everybody? स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। तो भाई आज ना मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, सुबह सुबह जैसे ही मैं उठाना उठते के साथ ही भाई मेरे को वॉमिटिंग होगी और मतलब इतना बुरा लगा, जो रात को मैंने खाया था ना भाई सारा का सारा बाहर आ गया, बहुत दिमाग खराब हो गया। बट कोई बात नहीं भाई, मैं सोच रहा था ना आज जब मैं सुबह उठा था तब बिल्कुल फ्रेशली उठा था, तो मैं सोच रहा था कि भाई आज के दिन ना कुछ एक्साइटेड करा जाए, कुछ अच्छा करा जाए। बट मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, कम से कम एक घंटे उठने के बाद मेरा दिमाग खराब रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं पड़ा रहा बेड पे क्योंकि मेरी हालत ही नहीं हो रही थी उठने की। फिर ना कुछ खाने पीने का मन कर रहा था, फिर मैंने एक गिलास पानी पिया, उसके बाद एक गिलास दूध पिया, तब जाके थोड़ा सा मैं अब ठीक फील कर रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, मैं नहावा लिया हूँ। तो अभी एक बार चल रहे हैं बाहर, देखते हैं मम्मी वगैरह सारी बैठी हैं क्या कर रही हैं। आज आप सभी लोगों को दिखाते हैं कि भाई आज कुछ स्पेशल है हम सब बच्चों के लिए। तो भाई मम्मी हमारी भाई व्रत रख रही है हम सबके लिए, तो अभी चल रहे हैं बाहर और रात के टाइम पे भाई मम्मी को सरप्राइज भी देंगे एक छोटा सा, तो मम्मी को भी खुश करना है। ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ, बाहर ही बैठी है अभी, सुनो ना ले और भाई मेरे को पीटे। तो भाई बाकी मम्मी जी ब्लॉग में देख लेना, थैंक यू सो मच, आपके लिए मतलब ला रहा हूँ मैं गिफ्ट विफ्ट। और भाई आजकल ना कॉलेजेस में फेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं फेस्ट वगैरह में किसी में जाऊं और कवर करूं ना, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि आप सब लोग फेस्ट वाली वीडियो देखना चाहते हो या नहीं। और भाई आप सब लोग जो भी देखना चाहते हो ना मेरे को कमेंट करके बता दो कि भाई हाँ ऐसी ऐसी वीडियोस डालो, आप कुछ ना कुछ लेके आओ। हेलो, आज किस चीज की कहानी चल रही है मम्मी? आज हमने आपके लिए व्रत रखा है, अपने बच्चों की लंबी उम्र की दीर्घ आयु के लिए। अच्छा जी, वही माता का व्रत है। आज बच्चों के लिए व्रत है? यस, आज हमारे अच्छे अच्छे गिफ्ट लाना। ठीक है, कौन सी तारीख है आज? 17 सितंबर? नहीं, 17 सितंबर को दोस्तों मेरा बर्थडे आता है, आप सब लोगों को पता है। हाय तेचो। तो भाई दोस्तों तुलसी में पानी दे रहे हैं तीनों के तीनों, आज इन तीनों ने व्रत रखा हुआ है भाई अपने अपने बच्चों के लिए। तो मैं ताइचो तेरे लिए व्रत रख लू मतलब बच्चों। भाई खाने के लिए क्या बना रखा है? शिमला मिर्च की सब्जी। और वैसे भाई ये तीनों देख लो व्रत रख रही हैं बच्चों के लिए, और इन्होंने बच्चों के लिए खाने में बनाया शिमला मिर्च की सब्जी और एक आलू मटर गाजर, इनकी सेकंड फ्लोर की पता ही ना है, आलू गोभी। अब दोस्तों तुम खुद ही देख लो कि भाई वैसे तो हमारे लिए व्रत रख रहे हैं और हमको खिला क्या रहे हैं, शिमला मिर्च टिंडे गोभी। अरे तो व्रत तो तुमने रख रखा है ना, तो दिन के टाइम भी तो हमारे लिए अच्छा खाना बनाओ। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। तो आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी अपलोड करने के लिए, क्योंकि संडे को मैंने दोस्तों रेस्ट ले लिया था, मैंने संडे को कोई वीडियो मतलब वैसे तो मैंने डाली थी क्योंकि एक कंटेंट ना मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि भाई ना अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे आज ही वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो कल आ जाएगी, आज 17 अक्टूबर है और ये वीडियो अब आपको फिर 18 अक्टूबर को मिल जाएगी, तो हम भी बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे ना सारी चीज़ों में। तो भाई मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज़, इनके टिंडे विंडे तो मैं पता नहीं यार क्या ही खाऊं। और फिर व्लॉग्स वगैरह देख रहे हो तुम मेरे? नहीं देख रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। रैबिट का क्या करोगे तुम दोनों यार? खेलेंगे बल्ले बल्ले। और वो जब काटेगा तब? जब इसको दांतों पर टिश्यू पेपर बांध देंगे। अच्छा। हाँ। सही कह रहा। ओए रिया। भाई प्रिया ना ये छोटी है इससे रिया से लग जाएगी। भाई ये इतनी तेज है ना इसको पीट देती है, और रिया बड़ी है। रिया तेरे बस की कुछ भी नहीं है, लोदड़ है तू। सुन इधर आ, अब तुम दोनों यहाँ पे लड़ रहे हो, बाई चांस तेरी मम्मी जब वीडियो देखेगी तो मेरे को नहीं डांटेगी कि भाई ये नाम है कि दोनों लड़कियों को लड़वाने लग रहा है। जलेबी है मेरे को भी दे दियो। चलो अंजलि इनकी लड़ाई तो सॉर्ट आउट करा दी कम से कम। बाय बाय। भाई सामने आप एक बार ना सनसेट चेक कर लोगे यार, कितना अमेजिंग सनसेट लग रहा है यार। भाई कितना मतलब इधर से मतलब सारे कलर्स ही ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसा मतलब बहुत ही रेयर ही दिखता है।
तो भाई मैं अभी गया था ना कि बियर्ड सेट कराने, तो मैंने बियर्ड सेट करा ली, बाल अभी कटवाए नहीं है। पता नहीं मैं क्यों इतना ज्यादा मतलब बालों को लेके हो जाता हूँ ना हर बार ही, कि जब भी मेरे थोड़े से बाल बड़े हो जाते हैं ना मेरे एकदम शौक चढ़ जाता है कि भाई मैं बाल बड़े कर लूं। अभी देखो फोटो आ रही होगी साइड में, मैंने अभी रिसेंटली जब बाल बड़े करे थे तब मेरे कितने बड़े हो गए थे आप चेक करो। और बाकी इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर रहे हो तो वहां पे तो मैं नॉर्मल पोस्ट डालता ही रहता हूँ, और बहुत सारी पोस्ट मैंने डाली भी हुई है। तो अभी मैं कहाँ गया था, मैं बियर्ड सेट कराने गया था और ये आटा लेने गया था। तो छोटा सा एक काम है ना, ये आटा एक बार दे देते हैं ऊपर, उसके बाद भाई मैं और आप लोग दोनों चल रहे हैं भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बुला रखा है, तो उसको मेरे को मेट्रो से पिक करना है। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, वहाँ पे पहुंच गया है, कम से कम 10-15 मिनट से फोन कर रहा है। अब भी उसके व्लॉग में कर रहा हूँ तो भी फोन ही आ रहा है, बट क्या करूँ भाई लेट हो ही रहा हूँ समर्थ। तो एक बार फटाफट इनको ऊपर दे के आते हैं ना, उसके बाद भाई शू से निकल रहे हैं और सीधा आपको मिलवाते हैं भाई अपने दोस्त से, सीधा चल के। भाई तू खुद ही देख ले यार, भाई मेरे को कम से कम 10 मिनट होगी समर्थ भाई, मैं जाम में फंस रखा हूँ, जेन्युइनली दिक्कत है। और मैं इसीलिए लेट हूँ भाई थोड़ा सा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम होता है ना भाई, ट्रैफिक हर जगह मिलता ही है। और भाई मेरा एक भाई मेरे से मिलने आ रहा है, तो उसको मैं पिक करने जा रहा हूँ अभी इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन पे। तो भाई उसको वहां से उठाते हैं और आप सबसे मिलवाते हैं। भाई काफी ना फनी, जिसे कहते हैं ना मतलब थोड़ा सा मतलब प्यारा लड़का है, मतलब बेशक कैसा भी हो तो मैं आप सब लोगों को मिलवाऊंगा। मतलब जब भी मेरे से मिलता है ना भाई मैं उसके बहुत मजे लेता हूँ। तो दोस्तों आज हम सब मिलके ना उसके मजे लेने वाले हैं। तो भाई फाइनली मेरा दोस्त समर्थ आ चुका है भाई मेरे पास। और अभी देखो ट्रैफिक देख लो, हर जगह कितना ट्रैफिक है। दोस्तों एक बार ट्रैफिक में से थोड़ा सा क्लियर हो जाओ ना, एक बार कहीं पहुंच जाऊं कुछ खाने पीने के लिए, फिर उसके बाद आपसे मिलवाते हैं भाई सैमी को और कुछ खाते हैं भाई कुछ अच्छा बढ़िया। ये ट्रैफिक में से निकलना ना बहुत जरूरी है, पता ना इतनी जनता जा रही है तो जा कहां रही है भाई। तेरे बिनु किसनु तखदा तखदा माणो ते नाम तेरा जपदा जपदा, किसी कुड़ी दा नी फोन चकदा चकदा, बस तेरे फोन दी ही वेट रखदा रखदा। भाई इसको ना शर्म आती है कैमरे से थोड़ा ज्यादा, तो इसलिए ना मैं इसकी ज्यादा शक्ल दिखाऊंगा नहीं। तो भाई ये है वो मोटा दोस्तों, आप देख लो अच्छे से जब से गाड़ी में बैठा था, और इसने मेरे फोन वोन पकड़ के रख लिए कि भाई वीडियो नहीं बनानी वीडियो नहीं बनानी। वैसे आपको ना अभी तक भी इसकी शक्ल ढंग से दिखी नहीं होगी, मैं आप दिखा देता हूँ, एक बार दिखाई हो पर भाई बहुत ही स्वीट फ्रेंड है मेरा काफी अच्छा। तो अभी भाई बहुत भूख तो लगी रही थी, तो हम आए भाई सेंट्रल प्लाजा में, और गाड़ी भाई पार्क करने के लिए जगह नहीं है यार भाई, इतनी भीड़ है अभी फिलहाल। और सुना दे भाई क्या हाल है, पिज्जा डोमिनोज में से कुछ भी खा लेंगे, क्या खाएगा भाई। कल रात को पार्टी करी हमने सोहो क्लब में भाई, आप सब लोगों ने देखा हो तो भाई बताओ कैसी लगी। सीबीआई वाला कंटेंट भी मिलेगा सीबीआई, हाँ एक दोस्त को सीबीआई वाले उठा ले गए थे हाँ पर वैसे कैसा लगा कल वाला व्लॉग भाई, तगड़ा नहीं था तो मजा आ गया भाई। समर तो मैंने मिलकर ना इतना सारा ऑर्डर कर दिया है कि अब शर्म और आ रही है इसको खाने में, मेरे को तो बाकी ऐसी कोई शर्म वरम नहीं आ रही भाई, मैं तो कुछ भी खा लूँगा कहीं भी बैठ के, बस खिलाने वाला होना चाहिए समर्थ बाकी मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ भाई कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारे भाई ने आज दादी कटवा ली ना, तो काफ़ी लाइट लाइट सा फील हो रहा है पर अच्छा लग रहा है। सोच रहा था बाल भी कटवा लूँ, बट फिर सोचा कि यार रुक ही जाते हैं थोड़े दिन, बाल वाल कटवा के क्या ही करना है। समर्थ कह रहा नई वाली चप्पलें कह रहे, तो भाई चप्पल भी अभी आ जाएंगी, चप्पल भी जल्दी रिलीज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो दोस्तों चप्पल भी अपने आने वाली है, तो सब्सक्राइब करो चप्पल भी देखने के लिए। बाकी हम अभी चाहे उसमें हमने जो भी ऑर्डर करा है आप सबको दिखाई देंगे कि भाई कैसे राक्षस है हम दोनों, तो लपेटते हैं भाई आइटम एक बार आने दो, बस 10 मिनट और रुक जाए हम आपके लिए। 1 ही सेकंड में आ गया खाना, ये लो हमारे लिए लग रही है 10 मिनट, तुम्हारे लिए नहीं है 10 मिनट, तुम इंस्टेंट खा सकते हो। भाई मोटे की गर्लफ्रेंड है देख लो, मिनट मिनट की अपडेट चल रही है इसकी, मिनट मिनट की कि बेबी अब मैं चाय उस पे आ गया हूँ, अब मैं चाय उस पे भाई ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ। मतलब भाई ये रिलेशनशिप में ये बकचोदी तो बहुत होती है, मिनट मिनट की अपडेट देनी पड़ती है भाई। समर तो ट्रू लव में है, मेरा नाम क्यों खराब कर रहा है भाई। गाइस सबको पता है ना कौन बात कर रहा था, मैंने अभी आप सब लोगों को दिखा दिया है, तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता ना, तो मैं भी आपको बताता हूँ किससे क्या बात कर रहा हूँ। कोई बात ना, पर दोस्तों वैसे एक सेकंड रुको, अब लाइट में दिखाता हूँ ना मैं इसको अच्छे से आपको, ये प्राणी लगता नहीं वैसे देख के कि ये हमारे देश से ही है जो
कौन से कटोले से आए हो भाई साहब? पीके हो पर जो भी हो मतलब बहुत बुरे हो। कोई बात नहीं पर भाई माहौल चेक कर लो ना, यहाँ पे थोड़ा स्वीट सा ही चल रहा है, पर समर देखो अलग ही चमक रहा है सब में। भाई मम्मी के लिए ना कुछ लेके चलना है, क्योंकि आज मम्मी ने ना व्रत रख रखा है, जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया था। तो मैं अब समर एक बार कुछ खा लें, उसके बाद भाई बाहर से देखेंगे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेना ही है, क्योंकि मम्मी ने हमारे लिए जो व्रत रखा है। तो भाई मैं अभी मम्मी को कुछ अच्छा सा दूंगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने के लिए ले चलूँ मम्मी के लिए, और बाकी या तो देखते हैं कुछ भी क्या लेना है, क्योंकि भाई मम्मी जब हमारे लिए व्रत रख रही है तो भाई थैंक यू सो मच मम्मा कि भाई आप हमारी उम्र के लिए, भाई लंबी उम्र के लिए वैसे रखते हैं ये व्रत, जो भी मैं सब दोस्तों को बता रहा हूँ। तो भाई मम्मी को गिफ्ट देना बहुत ज़रूरी है, आप सब लोग भी देना, अगर बाई चांस गलती से कोई मिस कर गया है तो भाई सबको कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देना ही देना है। तो भाई मैंने तो अपनी चाय मंगाई है ना, केसर वाली चाय, मैं चाय वैसे कम ही पीता हूँ, बट देखते हैं भाई आज क्या है। हाँ और बाकी भाई इसकी लेमन टी वी है वो आई नहीं है, क्योंकि देखो प्रायोरिटी पहले होती है ना यूट्यूबर लोगों को, मतलब पहले सर्व करते हैं ये अपना, मतलब थोड़ा सा इन्होंने रखा हुआ है। भाई इतनी सेक्सी लग रही है ना BMW की Z4 है, पर भाई तोड़ू ही लग रही है गाड़ी भाई, बिल्कुल मैट ब्लैक में और बहुत ही सेक्सी लग रही है। ये अपनी खड़ी है BMW Z4। कल फाइनल है समर, तुम्हें पता है कल दोस्तों पक्का इसको वॉश करा के लाऊंगा, पक्का डन है 110%। We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still, I put on work, no fly to mirror. They want me to lose, but I can't, mama shed like a thousand tears. I can't do that to waste, I pull up in Mercedes. भाई इतनी तोड़ू तोड़ू बिल्डिंगें बना रखी है ना भाई यहाँ DLF में। ये मंगोलियाज है भाई सामने, आप देख रहे हो, इसमें 15-20 करोड़ रुपए का फ्लैट है, सीधा लेना इधर की तरफ लेफ्ट। भाई बहुत ही तोड़ू सोसाइटी है ये सच में भाई, मेरे हिसाब से ये DLF की सबसे महंगी सोसाइटी है। कहाँ जाना चाहता है यार, कहाँ जाओगे? समर्थ को मैंने दे दी है भाई गाड़ी चलाने के लिए, इसको थोड़ा बहुत चलाने दो, मैं कवर करता हूँ भाई थोड़ा। भाई आप चेक करो इस सोसाइटी को ना तुम अच्छे से। सो गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, भाई मैं अभी नीचे ही देख लेता हूँ, क्योंकि फ्लैश अगर मुँह पे आ रही है ना तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। भाई ये सामने का नज़ारा चेक करो भाई, सीरियसली ये जो जगह है ना भाई बहुत ही अमेजिंग है। मैं अभी आपको भाई ऊपर चढ़ के जा रहा हूँ, ऊपर से दिखाऊंगा एक बार पहुंच जाऊँ। हाँ ये भाई आई लव यू लव स्टोरी है यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप देखोगे। समर्थ मेरा भाई वहाँ नीचे खड़ा है, इसके बस की नहीं, ऊपर आना, गाड़ी वहाँ खड़ी है। और भाई अब ये सामने का नज़ारा आप एक बार आराम से चेक करो भाई, ये सामने जो तुम चीज देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ ना सुंदर बिल्डिंग नहीं है। जैसे गुड़गांव में भाई अपने DLF साइबर सिटी में भाई इतनी ज्यादा भाई डेवलपमेंट हुई है ना, तो सेम ही चीज ये क्या कर रहे हैं कि जैसे ये फरीदाबाद की साइड जो है रोड जाता है ना, ये बिल्कुल पहाड़ी वाला रास्ता है और हम पहाड़ी पे ही खड़े हैं भाई इस टाइम पे। इधर की तरफ भाई ये एक दो तीन, ये दो तीन बिल्डिंग ऐसी खतरनाक बना दी ना इन्होंने कि भाई ये अट्रैक्शन इतनी बड़ी बनेंगी आने वाले टाइम पे। अभी हम जाते हैं ना देखते, काफी अच्छा लगता है। पहले इस बिल्डिंग में ना प्रॉपर पूरी की पूरी जितनी बड़ी है ना उतनी लाइट जल रही होती थी, अभी फिलहाल इन्होंने बंद कर रखी है क्योंकि भाई उसमें ज्यादा कंजप्शन है, बट जब पूरी जलेगी तो देखो दोस्तों कैसी लगेगी। मैंने देखा हुआ है इसको, बहुत ही सुंदर लगती है भाई ये। और यहाँ पे इनकी वजह से भाई पीछे सोसाइटियां ना बननी चालू हो गई है, और ये एरिया भी पूरा का पूरा ऐसा ही हो जाएगा जैसा हमारा DLF है। और ऐसी ही सेम सिचुएशन ना हमारे उधर की तरफ है, जो ये बादशाहपुर की साइड आ जाता है भाई, बहुत ही ज्यादा ना यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, तो काम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल दें कि भाई हाँ काम कम हो रहा है, बट भाई हर चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना भाई यहाँ पे आने की, कि जब सुबह का टाइम होता है ना सामने से ही सनराइज होता है और बहुत ही सुंदर लगता है भाई देखने में। तो भाई आप अगर देखना चाहते हो ना थोड़ा अच्छा माहौल, मतलब इंजॉय करना चाहते हो, तो इस जगह भाई आके अपना एक बार विजिट कर सकते हो। बट भाई थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि जैसे पूरा जंगल ही है तो जंगली जानवर भी यहाँ पे भाई बहुत है, तो थोड़ा सा उससे भी बचाव अपना रखना ही है तुम लोगों को। यार समर्थ भाई कितना सुंदर लग रहा है यार भाई DLF पूरा ना भाई, इतनी
तगड़ी लाइटनिंग कर रखी है ना भाई, दिवाली आ रही है यार भाई। कसम से ना गुड़गांव में अब की बारी मैंने देखा है कि इतनी ज्यादा, मतलब ये इतनी ज्यादा ना तगड़ी ही लाइट्स लगाई हुई है भाई। देख लो पूरा गुड़गांव ऐसे चमक रहा है ना कि भाई तगड़ा ही लेवल। और हमने भाई गलत अंडरपास में घुमा दी सफर तेरे चक्कर में भाई ले। अबे यार भाई हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स फिर से देखे लाइट्स। सही में भाई अब हमें ना दोबारा ही घुमा के लानी पड़ेगी, हम पूरा वहीं से ही घूम के आएंगे भाई। तो भाई आज ना मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को ना समर्थ के साथ टाइम स्पेंड करके। बाय गाइस, बाय गर्ल्स, लिख लो बाय पाजी, बाय, जल्दी लिख जा। तो भाई दो चॉकलेट ही हमने तो ले लिए मम्मी के लिए, बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। ऐसा अंजलि और मम्मी चॉकलेट खाती है ना तो दोनों खुश हो जाएगी, एक अंजलि खा लेगी एक, दोनों मिल बांट के खा लेंगे वैसे मेरे को तो ऐसा ही लगता है, बट अंजलि लड़ाई ज़्यादा करती है। कितने हो गए भाई? भाई एक केक और ले लिया है ना मैंने, और फ़ोन में भाई 1% बैटरी है, बड़ी मुश्किलों से ही पेमेंट भी हुई है, तो बैठ लेते हैं फटाफट और भाई निकलते हैं, घर पहुँच के ही करता हूँ दोस्तों। भाई जैसे मैंने बताया था ना कि मम्मी के लिए मैं केक विक लेके आया, तो मम्मी तो सो गई है, तो भाई हम लेके चलते हैं सामान और भाई मम्मी को उठा के केक कट करवाते हैं और सरप्राइज देते हैं भाई छोटा सा। आधा टू बी बेशरम तेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही मम्मी के लिए ही है। अबे कैंडल ये वाली लेना जो इसके साथ आई है, मम्मी ने इकट्ठी कर रखी है। उठ जी भाई, मम्मी मम्मी गुड मॉर्निंग मम्मी जी, केक और कुछ चॉकलेट लेके आए हैं आपके लिए, लियो लियो लियो। भाई आज आपने व्रत रखी थी ना तो मैंने सोची कि भाई आप तक कुछ अजान तो दिख रहा है, व्रत रखी थी तो भाई मम्मी ने व्रत रखा था ना तो मैंने सोचा भाई क्या नाम है मम्मी के लिए केक और भाई कुछ मिठाई चॉकलेट वॉकलेट लेके चले ना भी टेचू को भी केक खिलाएंगे भाई। केक देख लो भाई हमारा चॉकलेट। तो भाई मम्मी का फेवरेट केक है, बैठोगा ना बैठोगा ना, हाँ नींद आ रही है मम्मी है भाई फुल नींद में, यहाँ नींद नींद का काम नहीं चलेगा भाई, फटाफट से केक काट लो मम्मी जी जल्दी आओ। एक ही कैंडल लगा मम्मी जल्दी आ जाओ काटने, तो तेज 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 मारो मम्मी फूक मार दो, ये नहीं बच पाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे आज, ठीक है भाई। तो भाई फाइनली अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई व्लॉग एडिट कर लूँ, 11:30 मतलब जैसे मैंने बताया था आपको ऑलमोस्ट 12 ही बजने वाले हैं, तो भाई अभी मैं व्लॉग एडिट करता हूँ फटाफट जितना मेरे से होगा, ठीक है वरना कल सुबह उठ के करूंगा, बट 12 बजे दोस्तों आप सबको व्लॉग मिल ही जाएगा नो डाउट। तो अभी फटाफट कर लेते हैं व्लॉग को एडिट और उसके बाद भाई सोते हैं। और अगर दोस्तों आप सबको व्लॉग पसंद आया हो तो भाई व्लॉग को लाइक करें जरूर और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।